नमस्कार सभी को। आज जिस पुस्तक का विमोचन होने वाला है वो अर्चना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है और इसके जो लेखक हैं वो आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी हैं, जो कि मीडिया शिक्षक, पत्रकार एवं लेखक हैं। लोकेंद्र जी ने अपनी इस पुस्तक में राष्ट्रध्वज तिरंगा, सांस्कृतिक ध्वज भगवा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंतर संबंधों का विश्लेषण किया है। राष्ट्रध्वज और RSS के संदर्भ में यह पुस्तक कई नए तथ्य हमारे सामने लेकर आती है। इसके साथ ही संघ के संदर्भ में चलने वाले कई झूठे विमर्शों को भी ये पुस्तक खंडित करती है। ये पुस्तक हमें बताती है कि तिरंगे के सम्मान में संघ ने, इसके स्वयंसेवकों ने कैसे अपने प्राणों को आहूत किया है। इसके साथ ही इस पुस्तक राष्ट्रध्वज के निर्माण की कहानी से जुड़े कई तथ्य हमारे सामने लेकर ये पुस्तक आएगी। हम सब जानते हैं कि ध्वज किसी भी राष्ट्र के चिंतन एवं ध्येय का प्रतीक होता है। राजनीतिक रूप से विश्व पटल पर राष्ट्रध्वज तिरंगा भारत की पहचान है। 1905 से ही अनेक झंडे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद संविधान सभा ने 22 जुलाई सन 1947 को तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगा होने के साथ भी भगवा ध्वज विश्व समुदाय में भारत की सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भगवा ध्वज को अपना गुरु मानता है। ऐसे में भारत के स्व से कटु हुए कुछ लोग और समूह भगवा को नकारते हैं। साथ ही ये भ्रम भी फैलाते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तिरंगे का अपमान करता है, जबकि ये असत्य है। ऐसा कहने वाले लोग शायद ये जानते नहीं हैं कि एक ध्वज का मान रखना दूसरे का निरादर करना कतई नहीं है। उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी की ये बात समझनी चाहिए, जिसमें वो कहते हैं कि स्वतंत्रता के जितने सारे प्रतीक हैं उन सब के प्रति संघ के स्वयंसेवक अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ समर्पित रहा है। तिरंगे के सम्मान में संघ ने तब भी आंदोलन चलाए जब सत्ताधीश जम्मू कश्मीर में राष्ट्र की संप्रभुता को ताक पर रखकर दो प्रधान, दो विधान और दो निशान को स्वीकार किया जा चुका था। उन परिस्थितियों में भी संघ ने इसका विरोध करते हुए देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान होने की मांग की। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि एक राष्ट्र में सिर्फ एक ही ध्वज चलेगा, जो कि तिरंगा है। वर्ष 1942 में महात्मा गांधी के आह्वान पर हुए असहयोग आंदोलन के दौरान तिरंगा फहराते हुए स्वयंसेवकों को गोली लगने की बात हो, या फिर वर्ष 1947 में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की कई इमारतों पर पाकिस्तानी झंडे फहराने के विरोध में संघ के स्वयंसेवकों की कार्रवाई हो, या फिर गोवा मुक्ति आंदोलन के समय में संघ के स्वयंसेवकों को गोली लगने के बावजूद अपने हाथ में तिरंगा रखा ना गिरने देने की घटना हो, ऐसे कई घटनाक्रम हैं जब संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी निष्ठा राष्ट्र के ध्वज के प्रति दिखाई है। अपना नैरेटिव गढ़ने के लिए संघ और राष्ट्रध्वज तिरंगों को ना जाने कितनी संज्ञाएं दी हैं। कई तथ्य ऐसे गिनाए हैं जिनमें ये भ्रांति फैलाई जाने लगी कि संघ राष्ट्रध्वज का विरोध करता है। ऐसे भ्रम फैलाने वाले कौन हैं? ये वही हैं जिन्होंने 2022 से पहले अपने मुख्यालयों पर तिरंगा झंडा तक नहीं फहराया था। सभी भ्रांतियों के तथ्यपरक जवाब लोकेंद्र जी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रध्वज और RSS में देखने को मिलते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर संघ और तिरंगे को लेकर फैलाए जाने वाले नैरेटिव से पर्दा हटाया है और एक सकारात्मक दिशा में जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाई है। अपनी पुस्तक में लोकेंद्र जी ने बड़ी ही सरलता से राष्ट्रध्वज के विकास की यात्रा में भगवा ध्वज का महत्व एवं तिरंगे के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंतर संबंधों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक बड़ी ही रोचक है, आपको अवश्य पढ़नी चाहिए।